हेलो बेंटन फैंस, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आपने बहुत सारी बेंटन्स की वीडियो देखी होंगी और काफ़ी कुछ आपको नॉलेज भी होगी, लेकिन गाइस आपने शायद ही ये वीडियो देखी होगी जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ विलगैक्स के टॉप 5 पावरफुल वेपन्स के बारे में। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो टॉप 5 वेपन्स कौन कौन से हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए गाइस, बिना अपना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट बिगिन। सो गाइस, जो विलगैक्स है वो बेंटन का एक आर्च एनिमी है, यानी कि जानी दुश्मन। एंड गाइस, जो विलगैक्स है वो एक इंटरगैलेक्टिक एलियन वॉरलॉर्ड है और उसने कई सारे गैलेक्सीज और कई सारे प्लैनेट्स पर कब्जा किया है। उसकी जो स्पीसीज है गाइस, उसका नाम है चिमेरा सेई जेनेसिस, और इसका जो प्लैनेट गाइस वो है विलगैक्सिया। सो गाइस, इसकी जो एज है वो 238 से भी ज़्यादा है, यानी कि ये 238 साल से भी ज़्यादा है, और ये एक बहुत बड़ा तानाशाह भी है विलगैक्सिया का। और तो और गाइस, अगर इसके पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फाइटिंग स्किल्स, और इसकी जो हॉबीज है गाइस वो है प्लैनेट्स पर राज करना और ओमनीट्रिक्स को हासिल करने की कोशिश करते रहना। और उसके कई सारे गोल्स हैं, जैसे कि गाइस ये जो ओमनीट्रिक्स है उसको हासिल करके उसकी पावर से एक आर्मी बनाना चाहता था, लेकिन फेल हो गया, पर टेम्पररी टाइम के लिए पास हो गया था। उसके बाद गाइस, इसका एक और गोल था कि जो डैगन है गाइस उसके पावर को उसको डिस्ट्रॉय करके उसकी पावर को हथियाना, लेकिन इसमें भी ये टेम्पररी पास रहा और उसके बाद बेंटन ने इसे फेल कर दिया। फिर ये चाहता था कि बेंटन के सभी वर्जन्स को मल्टीवर्स से तबाह कर दिया जाए, लेकिन इसमें भी ये फेल हो गया, और फिर इसने मैलवेयर के पावर्स को हथियाना चाहा। सो गाइस, ऐसे ही इसके कई सारे और भी गोल्स हैं। सो गाइस, आज हम इसके गोल्स के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि जानेंगे कि इसके पास कौन से ऐसे 5 टॉप 5 वेपन्स हैं जिनका ये यूज़ फाइट के दौरान करता है। सो गाइस, चलिए जानते हैं। सो गाइस, इस लिस्ट में जो नंबर 5th पोजीशन पे मैंने रखा है वो गाइस वो है रूबी रे। सो गाइस, ये एक लाल रंग का जेमस्टोन का बना ब्रेसलेट है जो विलगैक्स अपने लेफ्ट हैंड में पहनता है, और इसे एक लेजर प्रोजेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऐसा दिखाया गया है कि इसने अल्टीमोस को एक ही शॉट में काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया था, और विलगैक्स कहता है कि इसके एक शॉट से काफ़ी कई सारी स्पीसीज मर जाती है, कई सारी डिफीट भी कर लेती है, और अल्टीमोस उनमें से एक था, लेकिन जो अल्टीमोस था वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। सो गाइस, अब जो 4th पोजीशन पे है वो है गाइस शील्ड ऑफ सीगल। इसका यूज़र विलगैक्स है और ये एक एनर्जी शील्ड टाइप की इक्विपमेंट है। सो गाइस, जो द शील्ड ऑफ सीगल है वो एक गोल्डन कलर का गॉन्टलेट है जो विलगैक्स अपने लेफ्ट हैंड में पहनता है, जिसमें एक येलो जेम लगा हुआ है। ये जेम इतना एबल है कि एक पावरफुल फोर्स फील्ड जनरेट करता है जो इसके यूज़र को सेव करता है। सो गाइस, ये जो फोर्स फील्ड है वो फॉरएवर नाइट्स की शील्ड जैसी ही दिखती है। ये यूज़र के पूरे शरीर को बचाती है किसी भी अटैक से, और ये इतनी एबल है कि इसने अल्टीमोस के पंच और जेट्रे के न्यूरोशॉक ब्लास्ट को डिफेंड कर दिया था। और अगर इसकी वीकनेस की बात करें तो पेट्रोसिपियंस के लगातार कंटिन्यू अटैक से इसे भी ब्रेक किया जा सकता है। सो गाइस, जो 3rd पोजीशन पर है वो है गाइस विलगैक्स की स्वॉर्ड। सो गाइस, इसे फॉर्मली विलगैक्स के द्वारा ही यूज़ करता हुआ दिखाया गया है। सो गाइस, ये जो स्वॉर्ड वो एनर्जी बीम को प्रोजेक्ट कर सकती है, और इसके जो ब्लेड है गाइस वो फ्लेम और क्रिस्टल के भी बन सकते हैं। सो गाइस, इसके जो क्रिस्टल ब्लेड है वो इतने एबल हैं कि एनर्जी ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमा स्टोन के एनर्जी ब्लास्ट होते हैं। सो गाइस, बिना ये क्रिस्टल और फ्लेम के भी काफ़ी शक्तिशाली है। इससे जो विलगैक्स है गाइस, उसने क्रोमा स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, हमने एक मूवी में देखा था। सो गाइस, ये एक पूरी स्पेस शिप को तबाह कर सकती है, वो भी एक सिंगल स्ट्रोक से। सो गाइस, आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल स्वॉर्ड है। सो गाइस, इस लिस्ट में जो नंबर 2 पोजीशन पर है वो गाइस चिमरिन हैमर। सो गाइस, चिमरिन हैमर कोई हैमर नहीं है, असल में ये एक स्पेसशिप है जो कि विलगैक्स ने किसी से चोरी की थी। सो गाइस, इसका यूजर अभी तो विलगैक्स है और ये एक स्पेसशिप है। सो गाइस, जो चिमरिन हैमर है वो काफ़ी शक्तिशाली स्पेसशिप है, और इसमें बहुत से लेज़र और दूसरे हथियार हैं। इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है गाइस, और इसमें 4 क्लस्टर, और इन 4 क्लस्टर में 4 लेज़र टॉरेट लगे हुए हैं, और इसमें कई सारे बड़े बड़े गन भी लगे हुए हैं, और इसमें कई सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जिनसे अटैक्स किए जा सकते हैं। और गाइस, ये अपने आप को रिपेयर भी काफ़ी अच्छे से कर जाते हैं, और इसमें मैग्मा ब्लास्ट जैसी कैपेसिटी भी है। सो गाइस, इससे पता लगा सकते हैं कि चिमरिन हैमर से विलगैक्स ने कितने सारे कामों को अंजाम दिया होगा। सो गाइस, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 2 पोजीशन पर। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 की। सो गाइस, नंबर 1 पोजीशन पे है मैलवेयर आर्मर। सो गाइस, इसे तो एल्बिडोन विलगैक्स के कहने पर बनाया था, और सो गाइस, जब भी यूज़र इसे पहनता है तो वो एक मेगामॉर्फ की तरह दिखने लगता है। सो गाइस, ये एक रिटेलाइजर आर्मर की तरह है, और ये आर्मर मैलवेयर की तरह ही है। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी मैलवेयर जैसी है। सो गाइस, ये एक आर्मर है जिससे कि विलगैक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई थी, और उसने बड़ी ही आसानी से एक ही पंच में डायमंड हेड को गैल्वन प्राइम से गैल्वन बी में पहुंचा दिया, और इतना ड्यूरेबल हो गया था कि वो ऑटोमिक्स के अटैक्स को का सामना कर सका। सो गाइस, ये थे टॉप 5
वेपन्स ऑफ विलगैक्स। गाइज आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड गाइज मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।